हाय गाइस, वेलकम बैक टू रैक्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे, अगर तुम लोग पीसी पर अपने फ्री फायर के एक्सपीरियंस को बूस्ट करना चाहते हो, अपने गेम प्ले को एकदम स्मूथ खेलना चाहते हो, तो भाई तुम लोग एकदम सही जगह पर एकदम सही वीडियो पे आए हो। तो आज की इस वीडियो पे मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसी प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे तुम लोग अपने फ्री फायर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने एकदम स्मूथ गेम प्ले के लिए, जिससे तुम्हारे FPS भी काफ़ी बढ़िया आएंगे और तुम्हारा गेम प्ले भाई एकदम स्मूथ चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो पे लाइक है मैं यार 200 का, आई होप तुम लोग कंप्लीट करा दोगे, तो 200 लाइक्स कंप्लीट करा देना प्लीज़ यार। जिन्होंने लाइक नहीं करा भाई लाइक कर देना, और वीडियो काफ़ी मजा है, एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है सिस्टम रिक्वायरमेंट। गाइस अगर तुम्हारे पास एक अच्छा डिवाइस ही नहीं है तो तुम लोग फ्री फायर को कैसे खेल पाओगे यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें दो रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं, एक है मिनिमम और एक है रिकमेंडेड। तो मिनिमम पे बात करें तो उसमें OS होना चाहिए विंडोज 7 और उससे ज़्यादा का भी चलेगा, 64-bit में होना चाहिए। प्रोसेसर तुम्हारा इंटेल कोर i3 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड होनी चाहिए। रैम 4GB चलेगी। ग्राफिक्स इंटेल HD ग्राफिक्स 4000 जो कि एक मिनिमम ग्राफिक कार्ड है। स्टोरेज 4GB फ्री स्पेस होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पर एक जो कि तुम्हारा रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए OS होना चाहिए विंडोज 7 और उससे ज़्यादा, विंडोज 7 8 10 जो भी चलती है 11, 64-bit में होनी चाहिए। प्रोसेसर इंटेल कोर i5 2.8 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ। रैम होनी चाहिए 8GB। ग्राफिक्स होना चाहिए एनवीडिया GeForce GTX 6600 जो कि एक रिकमेंडेड ग्राफिक कार्ड है। स्टोरेज 4GB फ्री स्पेस होना चाहिए तुम्हारे PC या फिर लैपटॉप में, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थी, मिनिमम और रिकमेंडेड। अगर इससे कम है तुम्हारे में डिवाइस में जो भी स्पेक्स वगैरह इसके कम है, तो भाई तुम लोग नहीं खेल सकते यार फ्री फायर को PC में, बहुत ज़्यादा लैग करेगा। अगर तुम्हारा मैच करता है तो तुम लोग भाई आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर इसके अलावा जो बात करते हैं हम टिप्स की, तो टिप्स नंबर 1 पे हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो गाइस टिप्स नंबर 1 है अपडेट यूअर ग्राफिक ड्राइवर्स, मतलब अप टू डेट करना है अपने ग्राफिक ड्राइवर्स को तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए तुम्हें अपने जो भी तुम्हारे PC में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, लाइक NVIDIA AMD जो भी तुम्हारे मतलब ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तुम्हारे PC या फिर लैपटॉप में, तुम्हें यहाँ पर कोई भी वेब ब्राउजर में आना है और सिंपली सर्च करना है उसका नाम, जैसे NVIDIA ग्राफिक ड्राइवर सर्च करना है। तुम लोग देख सकते हो डाउनलोड ड्राइवर यहाँ पर सिंपली हमको ऑप्शन देखने को मिल रहा है NVIDIA में, इस पर क्लिक करना है तुम्हें। अब गाइस यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, और यहाँ पर NVIDIA ड्राइवर डाउनलोड तुमको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये भी तुमसे कुछ तुम्हारे ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे उसके जो प्रोडक्ट नंबर है, उसके सीरीज़ है, ये सब तुम्हें मांगेगा। और तुम्हें यहाँ पर इसको फिल करना है, जो भी तुम्हारे उसमें मतलब ग्राफिक कार्ड लगा है, जो भी सीरीज़ है उसकी, जो भी उसका प्रोडक्ट नंबर है, ये सब तुम्हें फिल करना है। अपने विंडो कौन सी विंडो है तुम्हारे उसमें, विंडो 10 विंडो 7 जो भी तुम्हारी है, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर ये तुमको एक परफेक्ट जो भी ग्राफिक कार्ड है वो बना के रेडी करके देगा। अभी तुम लोग देख सकते हो कुछ भी तुम यहाँ पर फिल कर सकते हो, फिर तुम्हें यहाँ पर फाइंड पे सर्च करना है, मतलब सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये यहाँ पर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अभी चल रहा है मतलब 2024 में जो भी यहाँ पर चल रहा है अपडेटेड ग्राफिक ड्राइवर, वो यहाँ पर आ चुका है, और सिंपली इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पर AMD का भी रहेगा, AMD ड्राइवर सर्च करना है और AMD की ये वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पर तुम लोग विंडो 10 11 के ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तुम्हें भाई भाई सीरीज़ वगैरह डालनी है AMD की, कौन सा उसका प्रोडक्ट नंबर है, कौन सी उसकी सीरीज़ है, मतलब अपने ग्राफिक कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तुम्हें डालनी है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पर तुम्हारा जो भी ड्राइवर है वो यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तुम लोग भाई अपने ग्राफिक कार्ड को ड्राइवर मतलब अपने जो ग्राफिक ड्राइवर्स है उसको अप टू डेट रखना है, जिससे भाई तुम्हारे PC में जो भी बग्स होते हैं वो सब फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया मतलब चीज़ है, अपने ग्राफिक कार्ड को हमेशा अप टू डेट रखो, और इससे तुम मतलब अपने PC में भी जो भी तुम्हारे अपडेट्स आते हैं उसको भी तुम्हें यहाँ पर अप टू डेट करना है, ठीक है। अब गाइस चलते हैं यहाँ पर अगली सेटिंग की, अगली टिप्स पे, वो है यहाँ पर गाइस तुम्हारा गेम सेटिंग की, ठीक है। इन गेम सेटिंग यहाँ पर होती है, इन गेम सेटिंग पे तुम्हें अपने फ्री फायर पे आना है। फ्री फायर पे आने के बाद गाइस तुम्हें अपने जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें जाना है भाई डिस्प्ले पे, ठीक है, डिस्प्ले पे जाना है। अब गाइस डिस्प्ले में ना सबसे पहला ऑप्शन होता है ग्राफिक्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्मूथ गेम प्ले के लिए भाई ऑफकोर्स तुम्हें यहाँ पर स्मूथ पे ही रखना पड़ेगा। अगर जिसके पास ज़्यादा अच्छा खासा PC या फिर लैपटॉप है तो तुम लोग भाई स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा पे जा सकते हो, लेकिन स्मूथ खेलना है तो भाई स्मूथ पे इसको सेलेक्ट करना है ग्राफिक्स को, ठीक है। उसके बाद आता है हाई FPS का, ठीक है। पहले यहाँ पर नॉर्मल और हाई दो ऑप्शन थे, लेकिन अपडेट के बाद एक इनहेंस वाला ऑप्शन इसमें ऐड किया गया जो कि काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है मेरे लैपटॉप में, तो मैं तो इनहेंस पे ही खेलता हूँ। मैं तुमको भी एक बार रिकमेंड करूँगा कि इसको इनहेंस पे ट्राई करो, अगर अच्छा खासा चलता है तो भाई इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वरना हाई FPS पे रखना है तुम्हें। बाकी यहाँ पर इसमें इसके अलावा कोई भी यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है, और जो भी शेडो वगैरह का ऑप्शन आता है, जो भी यहाँ पर तुम्हारा एंटी अलाइजिंग का ऑप्शन आता है, वो सभी तुम्हें डिसेबल करना है, ठीक है। इसमें
और उसके बाद आता है एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। गाइस अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर अपनी फ्री फायर वीडियो कहीं पे यूट्यूब पे डालते हो तो तुम लोग को यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत से बंदे इसको ऑन रखते हैं। तो ये ऑन तुम्हें करना है अगर तुम्हें वीडियो बनाते हो यूट्यूब के लिए, बट अगर तुम लोग नॉर्मल प्लेयर हो तो भाई जस्ट इन्जॉय के लिए खेल लो तो इसको ऑफ कर देना, इस सभी ऑप्शन को ऑफ कर देना है तुम्हें। अब गाइस गेम से रिलेटेड यही सेटिंग्स थी। इससे क्या होगा, तुम्हारे जो GPU पे है उसको उस पर जो लोड वेब कम पड़ेगा और तुम्हारा गेम काफ़ी स्मूथ चलेगा। नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो वो है गाइस यहाँ पर एमुलेटर सेटिंग। अब गाइस जो भी तुम एमुलेटर यूज़ करते हो, यहाँ पर मैं तो ब्लूस्टेक 5 पे खेल रहा हूँ, तुम ब्लूस्टेक 4, MSI, LD प्लेयर, मेमो प्लेयर, कोई भी तुम्हारे यहाँ पर एमुलेटर है तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर। वो तो यहाँ पर अगर तुम उसको चेंज करो, उसको मतलब उस पर कुछ भी उसमें मतलब स्टेप्स वगैरह कुछ होते हैं, अगर तुम उसको ट्राई करो तो तुम काफ़ी बढ़िया स्मूथ तरीके से अपने एमुलेटर पे फ्री फायर को खेल सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें अपने एमुलेटर की सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद तुम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है गाइस CPU एलोकेशन और मेमोरी एलोकेशन का ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। बहुत से बंदे बोलते हैं भाई जितने तुम्हारे में कोर है उसका हाफ रखने को, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। जितने भी कोर हैं उतने ही रखो। भाई मेरे में 4 कोर है तो मैंने इसको 4 कोर रखा है, अगर तुम्हारे में 2 है तो 2 रखो। वैसे तो यहाँ पर इसको फुल हाई पे रख के देखना एक बार भाई, बहुत ही बढ़िया चलता है। कभी भी इसको लो या फिर मीडियम मत रखना। सेम यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन है उसको भी तुम्हें हाई पे रखना है, जो भी 4GB इसमें जो भी हाई सेटिंग है उस पर रखना है इसको, जिससे क्या होगा काफ़ी बढ़िया गेम चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। परफॉर्मेंस मूड को हमेशा भाई हाई परफॉर्मेंस पे रखना है, बैलेंस या फिर नॉर्मल मत रखना भाई, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लैग करता है। FPS की बात करें तो गाइस FPS देखो मैंने 240 ट्राई किया हुआ है, 240 पे मैं भाई मेरा FPS बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, बहुत ज़्यादा लैग होता है गेम, मतलब स्टक होता है, तो मैंने इसको 100 पे रखा हुआ है। डिस्प्ले पे आने गाइस डिस्प्ले रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी। तो 720p वैसे सबसे बेस्ट है यहाँ पर है अगर लो एंड डिवाइस है तुम्हारे पास, बट अगर उसमें भी लैग हो रहा है तो 540 वाला ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 720p में काफ़ी बढ़िया चलेगा तुम्हारा गेम, तो 720p आई प्रेफर यू। उसके बाद आता है गाइस यहाँ पर कुछ ये इस तरह के आते हैं ग्राफिक्स के, ठीक है, ग्राफिक्स ऑप्शन आते हैं। जो भी मैं यहाँ पर सेटिंग मैंने की हुई है जिस पे मैंने टिक किया हुआ है, तुम्हें सेम वही करना है, उसके अलावा कुछ मत करना भाई। और पॉज करके वीडियो को पॉज करके ये सब तुम देख सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है चैनल पर, तुम लोग एक बार चैनल को जरूर से चेकआउट करना और 200 लाइक्स भी करने गाइस, ठीक है। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं करा भाई लाइक जरूर से करना। अभी गाइस देखो यहाँ पर मैं हमने सारी सेटिंग एमुलेटर की मैंने बता दी है तुम्हें। अभी यहाँ पर कुछ बात करते हैं हम यहाँ पर अपने सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड, ठीक है। तुम्हें अपने पीसी में कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें सर्च करना है नीचे सर्च बार में बैकग्राउंड एप्स, ठीक है। जब भी तुम अपने गेम मतलब अपने लैपटॉप या पीसी को ओपन करते हो तो उसके साथ में यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड एप्स यहाँ पर रन करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले उसको डिसेबल करना है तुम्हें। उससे भाई बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तुम्हारे डिवाइस पर तो जिससे लैग वगैरह होता है, तो यहाँ पर तुम लोग को बैकग्राउंड एप्स यहाँ पर डिसेबल कर देने हैं। जो भी तुम्हारे ऑन है उसको ऑफ कर देना है। अब गाइस यहाँ पर तुम्हें एक क्लिक पे इसको ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, बट यहाँ पर तुम पर्टिकुलर तरीके से भी इसको ऑफ कर सकते हो। जो भी तुम्हें यहाँ पर ऐप्स चाहिए बैकग्राउंड में वो तुम यहाँ पर ऑन रख देना, बाकी सब यहाँ पर ऑफ कर देना है, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ ऑन की है, वो यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी मतलब जो भी एंटीवायरस वगैरह का होता है वही मैंने ऑन किया है, बाकी सारे मेरे ऑफ है। तो जिससे क्या होता है कि लोड कम पड़ता है तुम्हारे पीसी पे, तुम्हारे सीपीयू जीपीयू पे लोड कम पड़ेगा, जिससे तुम्हारा गेम काफ़ी बढ़िया चलेगा। अभी गाइस तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है पावर एंड स्लीप सेटिंग्स, ठीक है। पावर सेटिंग आती है बेसिकली, तो यहाँ पर फिर जाना है एडिशनल पावर सेटिंग्स पे, और यहाँ पर गाइस तुम लोग को देखने को मिलते हैं कुछ प्लान्स, ठीक है, कुछ प्लान देखने को मिलते हैं पावर प्लान। तो यहाँ पर ये तुम्हें चेंज करना है, मेरा तो बैलेंस पे है क्योंकि भाई मैं लैपटॉप पे वीडियो बनानी होती है तो भाई लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है। बट गाइस तुम्हें यहाँ पर इसको हाई परफॉर्मेंस पे रखना है, ठीक है। अब हाई पे कैसे रखना है, क्रिएटिव प्लान पे क्लिक करना है तुम्हें। अगर तुमको हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो क्रिएटिव प्लान पे क्लिक करोगे ना, तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बैलेंस, पावर सेवर और हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस पे तुम्हें खेलना है भाई इसमें, अगर तुम्हें अपने गेम प्ले को भाई एकदम स्मूथ खेलना चाहते हो, एकदम मतलब मक्खन की तरह एकदम परफेक्ट भाई FPS भी ड्रॉप ना हो, तो भाई हाई परफॉर्मेंस पे खेलना। इससे क्या होगा गाइस जो भी तुम्हारे डिवाइस में जो भी एडिशनल जो भी इंप्रूवमेंट होते हैं, जो भी तुम्हारे चेंजेस होते हैं, अननेसेसरी जो भी यहाँ पर वो होते हैं क्या कहते हैं पावर्स, मतलब जो भी तुम्हारे पीसी में मतलब गेम से रिलेटेड जो भी एडिशनल सेटिंग्स होती है वो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस में एबल हो जाती है, जिससे तुम्हारा गेम काफ़ी बढ़िया चलता है। अब मैं भाई क्या कह रहा हूँ ये मुझे नहीं पता कुछ, बट हाँ हाई परफॉर्मेंस पे रखना जिससे गेम काफ़ी बढ़िया चलेगा। सो गाइस यही थी कुछ सेटिंग्स यार जो मैंने तुम्हें इस वीडियो पे बताई है। अगर तुम इनको ट्राई करते हो तो तुम्हारा गेम प्ले भी भाई बहुत ही स्मूथ चलने वाला है, और एक बार जरूर से ट्राई करना, ठीक है। अगर ट्राई करने के बाद भाई कुछ हेल्प होती है तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, और इसी तरह की मेरी गेमिंग वीडियो से भी गेमिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए
तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।